वेलकम टू माय चैनल आई मलका। आज मैं गणेश चतुर्थी स्पेशल इंस्टेंट पान मोदक की रेसिपी लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, ये बिना मावा, मिल्क पाउडर और घी से मोदक बन जाएगी। आप मेरी वीडियो फुल देखिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बगल में नोटिफिकेशन बेल दबा के ऑल ऑप्शन क्लिक कीजिए ताकि आपको ऐसी आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस रेसिपी। पान मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ 4 से 5 पान के पत्ते ले लिए हैं। इसको पानी में अच्छे से धो लिया है। अब मैं इनके स्टेम्स निकाल दे रही हूँ। उसके बाद इसको मैं चॉप कर लूँगी। चॉप करने से हम ब्लेंड करने के टाइम में इसकी स्मूथ पेस्ट बनेगी। नेक्स्ट मैं एक ब्लेंडिंग जेल ले लिया है, उसमें सारे पत्ते ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं एक कंडेंस मिल्क यूज कर रही हूँ। मेरा कंडेंस मिल्क 400 ग्राम है, लेकिन मैं अप्रोक्सीमेटली 200 ग्राम यूज करूँगी, तो आपको उसी अमाउंट यूज करनी है। उसके बाद इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे जब तक ये स्मूथ पेस्ट बन जाए। अभी ये आप देख सकते हैं पेस्ट बन गई है, लेकिन थोड़ा गाढ़ा है। तो मैं यहाँ 2 टेबलस्पून के बराबर रूम टेम्परेचर वाली दूध ऐड कर दे रही हूँ और इसको अच्छे से मिला दे रही हूँ। आप चाहे तो इसको ब्लेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट मोदक की स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून ऑफ गुलकंद ले लिया है। आपको ये गुलकंद आसानी से कहीं भी मार्केट में मिल जाएगी। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून ऑफ रेनबो बॉल्स ले लिया। ये ऑप्शनल है, मेरे पास था तो ऐड कर दिया। अभी 1 टीस्पून ऑफ पिस्ताशियो चॉप्ड ले लिया है। आप इसके जगह 1 टीस्पून ऑफ सौंफ, डेसिकेटेड कोकोनट की पाउडर और दूसरे ड्राई फ्रूट्स लाइक कैशूज एंड आमंड भी ले सकते हैं। अब ये स्टफिंग रेडी हो चुकी है। नेक्स्ट कढ़ाई को गैस में चढ़ा दिया है। अब मैं 1.5 कप ग्रेटेड कोकोनट ऐड कर दे रही हूँ। आप डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं। इसको हम 20 सेकंड के लिए धीमी आंच में भूनना है, ज़्यादा भूनना नहीं है, नहीं तो जलने का चांसेस रहती है। और आंच को हमेशा धीमी ही रखें। अभी मैं पान और कंडेंस मिल्क का जो पेस्ट बनाई थी उसको सारे ऐड कर दे रही हूँ और इसको अच्छे से मिला दूँगी। और अच्छे से मिलाने के बाद इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच में चलाते रहना है। और अब मैं 1 to 2 ड्रॉप्स ग्रीन फूड कलर ऐड कर दिया। ये ऑप्शनल है, ऐसे भी नॉर्मल कलर बहुत ही प्यारा है। थोड़ा ज़्यादा ग्रीन कलर के लिए मैंने ऐड कर ही दिया है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। अब मैं 4 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गई है। और 7 मिनट लगे मुझे ये बनाने के लिए। अभी ये पैन भी छोड़ चुकी है और हमारा डो तैयार है। इसको ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे कुछ समय के लिए। अब हम मोदक बनाएंगे। हाथ में थोड़ा घी लगा लिया है। मैं मिक्सचर को थोड़ा मिक्स कर दे रही हूँ और 2 टेबलस्पून के बराबर डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर भी ऐड कर दे रही हूँ। इसमें इसका क्रंचीनेस ज़्यादा आएगा और टेस्ट भी थोड़ा एनहांस करेगा और अच्छा बाइंडिंग कंसिस्टेंसी भी देगा। आपका अगर मिक्सचर ज़्यादा ड्राई है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैंने एक मोदक की मोल्ड ले लिया है। आप बाज़ार से ये मोदक की मोल्ड आसानी से खरीद सकते हैं और कोई भी साइज़ का आप यूज कर सकते हैं। पहले मैंने इसको लॉक कर दिया और थोड़ा सा मिक्सचर लेके इसको मैं दबा दबा कर मोदक का जो आउटर एरिया है उसको मैं अभी सेट कर रही हूँ। और इसके बाद हम स्टफिंग थोड़ा ऐड कर देंगे। और ये बीच में स्टफिंग ऐड हो गया। उसके बाद फिर से हम मिक्सचर को ऐड कर देंगे और पूरा मोदक को फिल कर देंगे। और ध्यान रहे आपको दबा दबा के ही पूरा फिल करना है, नहीं तो गैप रह जाती है अंदर। अभी मैं अनलॉक कर दिया और उसको आसानी से आप खोल सकते हैं। अभी हमारा पहला पान की मोदक रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रही है मोदक और बहुत ही आसानी से ये बन जाती है। मैं आपको और एक बना के दिखा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ये पान और गुलकंद और नारियल की जो कॉम्बिनेशन होती है बहुत ही टेस्टी और परफेक्ट रहती है। आप इसको गणपति बप्पा के लिए ज़रूर बनाइए और भोग लगाइए।
ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना अनुभव मुझे शेयर कीजिए। थोड़ा सा मैंने चांदी की वर्क भी लगा दिया है अच्छा दिखने के लिए, और थोड़ा सा रेनबो बॉल भी स्प्रिंकल कर दिया है डेकोरेशन के लिए। तो हमारा पान की मोदक रेडी हो चुकी है। फ्रेंड्स, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।